वेलकम टेक वाटर गुरु, मैं आपका विकास अपन में चैनल फिर स्वागत करता हूँ। तो आज के जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे टेक वीडियो गुरु लिखा हुआ है लोगों, और ओ लेवल इंटरनेट एंड आईसीटी के शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ मैंने आपके लिए जारी कर दी है। तो इसमें जो क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे वो आपको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में मिलेंगे, यानी कि एक एक लाइन दो दो लाइन के आंसर मिलेंगे। तो इस पीडीएफ को आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं होगी, ये उनके लिए हेल्पफुल होगी जो लोग एक दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, दो दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, या 1 वीक पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि पढ़ना क्या है, टॉपिक में है क्या, क्वेश्चन है क्या, ये पीडीएफ उनके लिए हेल्पफुल होगी। तो बिल्कुल भी आप इस पे फोकस ना करें, मैं इस वीडियो बनाने का मकसद ये है, ये उनके लिए पीडीएफ है जो लोग अभी तक बिल्कुल तैयारी नहीं किए हैं, जो लोग 2 महीने से लगातार तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस पे फोकस ना करें। उन लोगों को भी ये हेल्पफुल देगी कि आपको अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, तो आपको क्वेश्चन जो स्टार्ट करना होता है, स्टार्टिंग करनी होती है क्वेश्चन की, वहां पे ये पीडीएफ आपको हेल्पफुल देगी कि आपको 2-4 लाइन आप स्टार्ट कर दें वहां से, जो कि मेन जो क्वेश्चन पूछा गया उसी अनुसार। उसके बाद फिर आप उसमें आगे अपने अनुसार लिख सकते हैं 4-5 लाइन और एक्स्ट्रा बढ़ा के, जिससे कि आपको लिखने का तरीका मालूम पड़ेगा कि आपको लिखना किस प्रकार से और आपको आंसर किस प्रकार देना। तो मैंने इसीलिए शॉर्ट में बनाई है पीडीएफ, इसमें आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन अगर आपको पूछा है तो किस प्रकार से उसका आंसर आपको स्टार्ट करना है, शुरू करना है, लिखना कैसे है। तो चलिए देखते हैं। तो बिल्कुल भी इस पर फोकस ना करें, अगर आप 2 महीने 3 महीने तैयारी कर रहे हैं, आपने पूरी बड़ी नोट्स बनाई हुई है, उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है, वो आपको यहाँ से पढ़ना है जाके। ओ लेवल ओड में जाए तो आई टी टूल्स हिंदी, इंटरनेट हिंदी, सी लैंग्वेज हिंदी, सी लैंग्वेज नोट्स, इंग्लिश और आपके मल्टीमीडिया, आईसीटी, सबके नोट्स यहाँ लिखे हैं। तो ये नोट्स आपको पढ़ने हैं, क्योंकि ये आपके फुल पैराग्राफ और फुल लेटर में आपको नोट्स हैं, यानी कि 3-4 पन्ने के आपके नोट्स हैं, ये आपको पढ़ने हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल देंगे एग्जाम में। तो जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर सिस्टम है, तो कंप्यूटर सिस्टम पे आप ओपन करें, जो भी नोट्स हैं आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। तो अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं ये आपको पढ़ने हैं, ये क्वेश्चन आपके लंबे हैं तो इनको आपको फोकस करना है, ना कि जो मैंने पीडीएफ बनाई है उस पर आप फोकस ना करें तो बेटर होगा। ये मैंने उनके लिए है जो आप जो लोग बिल्कुल भी अभी तक पढ़े नहीं, इनके पास बुक नहीं, इनको कुछ गाइडेंस नहीं है, इनको पता नहीं है वो किस प्रकार से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, किस प्रकार से लिखते हैं आंसर, तो ये उनके लिए। बाकी पढ़ना आपको यही जो लॉन्ग थ्योरी मैंने आपको दी है यहाँ पे, पढ़ना आपको यही वाली थ्योरी आपको पड़ेगी, तो इस पर जरूर ध्यान दें, आप बिल्कुल भी ये गलती ना करें। तो चलिए देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर जाके इसको पढ़ें नोट्स को, अगर आपके पास नोट्स नहीं, यहाँ पे सारे नोट्स मैंने टॉपिक वाइज लिख दिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के आपको यहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जाके पढ़ें, तैयारी करें यहाँ से, अभी आपके पास कम दिन बचे हैं, तो इसको ओपन करें मोबाइल पे और इसको पढ़ना स्टार्ट करते जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। थ्योरी बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने लिखी है, विद डायग्राम के साथ आपको मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपका वर्ड का है, तो डायग्राम के साथ आपको सारी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं पीडीएफ की बात करते हैं। तो पीडीएफ में किस प्रकार को मैंने बनाया, जैसे कि ये मैंने सिर्फ बनाया अभी इंटरनेट और आपके आईसीटी के लिए, क्योंकि दोनों पेपर एक जैसे हैं और क्वेश्चन दोनों में सेम आते हैं, तो उनके लिए आपको हेल्पफुल देगी। तो व्हाट इज लिंक, अब आपका लिंक क्या होता है, तो अब आपको नहीं पता है, मान लीजिए आपने पढ़ा नहीं लिंक क्या होता है, तो आप लिंक के बारे में क्या लिखेंगे, तो ये उस समय आपको हेल्पफुल देगी। ए लिंक रिफर टू कनेक्टिविटी बिटवीन टू डिवाइस, यानी कोई एक लिंक है वो कनेक्टिविटी करेगी टू डिवाइसेस को, इंक्लूड टाइप ऑफ केबल, यानी कोई भी टाइप ऑफ केबल हो सकती है, लैन केबल, फाइबर केबल, ऑप्टिकल केबल, कोई भी केबल हो सकती है, एंड प्रोटोकॉल यूजर ऑर्डर फॉर वन डिवाइसेस टू बी एबल टू कम्युनिकेट विद दी अंदर, यानी कि एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को कम्युनिकेट करने के लिए वो लिंक आपका जो केबल के माध्यम से कनेक्ट होता है उसको कहते हैं लिंक। तो ये आपका था क्वेश्चन। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन लिखने होते हैं, इसी प्रकार से आप इसमें अपने आप बढ़ा के भी लिख सकते हैं इंग्लिश में या हिंदी में। तो शुरुआती करना मैंने आपको बस इस वीडियो में बता रहा हूँ कि शुरुआत किस प्रकार करना है, पार्ट टू का जो शुरुआती आपको करनी है वो किस प्रकार से करनी है, आपको लिखना किस प्रकार से, तो ये उसके लिए वीडियो है। और इस पीडीएफ को मैं लिंक आपको दे दूंगा, लेकिन इस पर आप फोकस ना करें, आप जो अपने क्वेश्चन की तैयारी की हुई है अभी तक आप उसी पर फोकस करें। ये शॉर्ट में आपको गाइडेंस के लिए उनके लिए है जो लोग बिल्कुल भी अभी तक क्वेश्चन को नहीं पढ़े हैं, एक दो दिन पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ये उनके लिए हेल्प होगी। उसके सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द लेयर्स ऑफ द ओएसआई रेफरेंस मॉडल। तो ये पीडीएफ उस लिए भी हेल्पफुल होगी, मान लीजिए आपको जो शॉर्टकट में आपके पार्ट वन में जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक, टू फॉल्स, मैच द कॉलम और ऑप्टिकल वाले, ये उनमें भी आपको हेल्पफुल देगी, क्योंकि इसके जो इसमें जो क्वेश्चन आंसर है वो आपके काफी ज्यादा शॉर्ट में है, तो आप इनको जब पढ़ लेंगे एक एक बार तो वहां पे आपको दिक्कत नहीं होगी, वहां पे आपको सॉल्व करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि शॉर्ट में है, तो शॉर्ट में आपको वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप फट से उनका आंसर समझ जाएंगे। तो जैसे कि है, व्हाट आर द लेयर ऑफ द ओएसआई लेयर मॉडल, तो ओएसआई लेयर की मॉडल की लेयर क्या होती है आपको नहीं पता है, तो शॉर्ट में आप जान लें, देयर आर 7 लेयर आपकी होती है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो आपको ओएसआई लेयर के बारे में इतना मालूम पड़ गया कि ओएसआई लेयर में आपकी 7
लेयर होती हैं। अब आपको उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आप ये उनके लिए जिनको नहीं पता है, जिनको बिल्कुल भी पता ही नहीं है OSI लेयर होती क्या है, जिन्होंने बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, तो कम से कम उनको ये मालूम हो जाएगा कि OSI में 7 लेयर होती है। मान लीजिए आपको ऑप्टिकल में क्वेश्चन आता है कि आपके OSI मॉडल लेयर में कितनी लेयर होती है, 5, 7, 4, तो आप वहाँ पे क्या आंसर लगाएंगे, आपको यहाँ पता चल जाएगा। इस PDF से आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि OSI लेयर में आपकी 7 लेयर होती है, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क। तो इस प्रकार से ये आपको हेल्पफुल करेगी। उसके बाद है आपका व्हाट इज बैकबोन नेटवर्क। तो इसमें करीब 100 क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं, करीब 100 के आसपास क्वेश्चन आंसर की पूरी PDF है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको एक बार देख लेंगे अपने मोबाइल में डाउनलोड करके तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। ये मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, कोई इसका चार्ज आपसे फिलहाल नहीं ले रहा हूँ। तो एक बैकबोन नेटवर्क इज ए सेंट्रलाइज इंफ्रास्ट्रक्चर डेट इज डिजाइन टू डिस्ट्रीब्यूट डिफरेंट नोड्स, रूटर एंड डेटा टू वेरियस नेटवर्क। इट ऑल्सो हैंडल मैनेज टू बैंडविड्थ एंड वेरियस चैनल। तो एक बैकबोन आपका एक प्रकार का नेटवर्क है। मान लीजिए आपका कोई सेंट्रलाइज नेटवर्क आपका डिवाइस को लगी है, वो आपकी फेल हो जाती है, तो आपका जो बैकबोन नेटवर्क होता है, जैसे कि आपका बैंडविड्थ और वेरियस चैनल जो आपके कनेक्टेड हैं, वो आपको नेटवर्क प्रोवाइड करने का काम करते हैं, तो बैकबोन नेटवर्क उसको कहते हैं। मान लीजिए कोई डिवाइस आपकी फेल हो गई है तो उसके बगल में रिकवरी का काम आपको वो देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है व्हाट इज लैन। तो लैन का शॉर्ट में लैनी से, सबसे पहले तो आपको जो फुल फॉर्म होते हैं वो स्टार्ट करें, जब लिखने का तरीका जो है, जैसे कि मान लीजिए लैन के पूछा, वैन पूछा, STP, जो इनके पहले फुल फॉर्म आप लैन स्टार्ट करेंगे तो आप आगे ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। जैसे कि लैन इसे शॉर्ट फॉर, लैन स्टैंड फॉर, तो यानी कि अगर हिंदी में लिखते हैं तो लैन का पूरा नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। इस प्रकार से इट्स रिफर टू कनेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड अदर नेटवर्क डिवाइसेज डेट आर कनेक्टेड विद ए स्मॉल फिजिकल लोकेशन। यानी कि लैन एक प्रकार की डिवाइस है जिसके माध्यम से आप लोकल यानी कि स्मॉल एरिया को कनेक्टेड करते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो इस प्रकार से आप हिंदी में लिख सकते हैं या इंग्लिश में इस प्रकार से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी उसके बाद लैन इज गाइडेड मीडिया, एंड गाइडेड मीडिया लैन, लैन इज वर्क बिटवीन आपके राउटर्स एंड लैन। इस प्रकार से आप जो भी थ्योरी आप पढ़े हो, मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, उस प्रकार से आप उसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, व्हाट इज ए नोड। तो नोड आपको क्या होता है, नेटवर्क, नेटवर्किंग इंटरव्यू क्वेश्चन, ए नोड। तो यहाँ से आपका ए नोड रिफर टू ए पॉइंट टू पॉइंट वेयर ए कनेक्शन टेक प्लेस, इट कैन बी कंप्यूटर और डिवाइसेस दैट इज ए पार्ट ऑफ नेटवर्क, टू और मोर नोड्स आर नीडेड इन ऑर्डर टू फ्रॉम ए कंप्यूटर कनेक्शन। तो एक नोड से दूसरे नोड में कनेक्टेड करने के लिए हम लोगों को नोड की जरूरत पड़ती है जो कि पॉइंट टू पॉइंट आपको कनेक्शन देता है। उसके बाद व्हाट आर राउटर्स, यहाँ पे क्या है, तो ये दोनों में आपके क्वेश्चन आते हैं ICT में भी और इंटरनेट में भी, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन लिए हैं। उसके बाद एक दो PDF आपको और मिलेगी जो आपकी मल्टीमीडिया और आपकी RT2 और C लैंग्वेज में मैं काम करूंगा, जल्दी आपको वो भी बना दूंगा, एक दो दिन में मिल जाएगी। राउटर कैन कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क सेगमेंट, यानी राउटर जो आपका दो से अधिक मोर नेटवर्क और सेगमेंट कनेक्ट करता है। दीज आर इंटेलिजेंट नेटवर्क डिवाइसेज एंड डेट स्टोर इन्फॉर्मेशन इन इट्स राउटर टेबल सच ए पैस होप्स एंड बोटल स्नैक। विद दिस इंफॉर्मेशन दे आर एबल टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ ऑफ डेटा ट्रांसफर। राउटर ऑपरेट एट द OSI नेटवर्क लेयर। तो OSI नेटवर्क के साथ आपको ये ऑपरेट करता है और आपको दो से अधिक डिवाइस को कनेक्ट करने में आपकी हेल्प करता है आपका राउटर। तो सिंपल सा शॉर्ट लैंग्वेज में आप इसको लिख सकते हैं। उसके मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए, व्हाट इज पॉइंट टू पॉइंट लिंक क्या है, व्हाट इज एनोनियस FTP आपका क्या है यहाँ पे, व्हाट इज सबनेट मास्क आपका क्या है, सबनेट मास्क इज कम्बाइंड विद एन IP एड्रेस इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई टू पार्ट द एक्सटेंडेड नेटवर्क एड्रेस एट द होस्ट एड्रेस लाइक एस IP एड्रेस। ए सबनेट मास्क इज मेड अप टू 32 बिट। तो शॉर्ट में एकदम आंसर आपका है, इस प्रकार से आप इसको शुरुआत कर सकते हैं। और यही क्वेश्चन आपको फिल इन द ब्लैंक में द कॉलम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो फोकस करें इस PDF पे वो लोग जो लोग अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़े हुए हैं। बाकी क्वेश्चन देखते हैं, काफी क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे। डिस्क्राइब द नेटवर्क टोपोलॉजी, अगर आपको नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में नहीं पता है तो यहाँ पे नेटवर्क टोपोलॉजी रिफर टू ले आउट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, इट शो हाउ डिवाइसेज कनेक्टेड फिजिकली ले आउट एज वेल एज हाउ दे कनेक्ट वन और अनदर। व्हाट इज VPN आपका क्या है, तो VPN आपका वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क होता है, टेक्नोलॉजी डेट अलाउ टू सिक्योर टनल टू बी क्रिएटेड अक्रॉस ए नेटवर्क सच एज इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल VPN अलाउ यू टू एस्टेब्लिश ए सिक्योर डायल अप कनेक्शन टू ए रिमोट कनेक्शन, यानी रिमोट सर्वर। तो इस प्रकार से इसमें आपके आंसर मैंने दिए हैं, एक एक लाइन में शॉर्ट शॉर्ट में आपके इसमें आंसर मैंने आपको दिए हैं। व्हाट इज वैन है, तो यहाँ पे वैन का आंसर यहाँ पे दिया गया है। तो लगभग सारे ही आपके TCP/IP लेयर है, OSI फिजिकल लेयर के बारे में है, OSI सेशन लेयर, तो सबके सबके लेयर के बारे में भी आपको यहाँ में दिए हैं मैंने आंसर। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। व्हाट इज प्राइवेट IP एड्रेस,
व्हाट इज डॉस आपका क्या है, व्हाट इज ओएसआई लेयर लेग, कंप्यूटर में आपका क्या रोल है उसका। तो मैंने क्वेश्चन नंबर डाल दिया इसलिए आपको समझ में आया। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एड्रेस शेयरिंग आपका क्या है, व्हाट आर मैक एड्रेस आपके क्या है, जो आपके डिवाइसेस के पीछे एड्रेस होता है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट ऑफ लेयर, जो आपके इक्विवेलेंट लेयर है आपकी टीसीपी आईपी लेयर की, एप्लीकेशन लेयर, टर्न ओएसआई मॉडल लेयर में उसका क्या मतलब है। व्हाट इज फायरवॉल भी आपका बहुत शॉर्ट में है यहाँ पे, लेकिन ये आपको नहीं लिखना है, इससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। प्लीज ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप अपना जो पढ़ चुके हैं उसको छोड़ के आप इस पीडीएफ पे फोकस करें, फिर बाद में आप मुझको बोलेंगे कि सर आप इन दो पीडीएफ दिए थे, तो बिल्कुल मैं आपको नहीं रिकमेंडेड कर रहा हूँ। मैं आपको इसीलिए पहले बोल रहा हूँ वीडियो शुरू करने से पहले कि ये पीडीएफ उनके लिए है, हेल्प देगी, सभी के लिए हेल्प लेगी। जो लोग तैयार कर चुके हैं उनके लिए वो पार्ट वन में हेल्प देगी, यानी कि अगर ट्रू फॉल्स मैच द कॉलम इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं तो ये पीडीएफ से आप शॉर्ट में उनके आंसर, आप अगर ये पढ़ लेंगे तो आप शॉर्ट में उसके आंसर आराम से दे सकते हैं, क्योंकि थ्योरी पूरी आपकी यहाँ पे है शॉर्ट में। उसके बाद ये उनके लिए हेल्पफुल होगी जिनको क्वेश्चन को स्टार्ट करने में दिक्कत होती है, ये वो आप यहाँ से देख के स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में फिर आप बीच में उसी उसी क्वेश्चन से रिलेटेड आप उसमें आगे बढ़ा सकते हैं, दो चार लाइन, पांच लाइन, अगर वो 3 नंबर या 5 नंबर क्वेश्चन है। और ये उनके लिए हेल्पफुल होगी जो बिल्कुल भी पढ़े नहीं है, तो कम से कम वो कुछ तो लिख के आएंगे पेपर में, वरना कॉपी छोड़ के आने से कोई फायदा नहीं है, कुछ उल्टा से लिखने से फायदा नहीं। कम से कम इंग्लिश में आप इतना लिख देंगे तो आपको 3 में से 1 नंबर 1.5 नंबर मिल जाएगा, तो ये उनके लिए काफी हेल्पफुल होगी। काफी शॉर्ट में क्वेश्चन है, आंसर है इसके, तो आपको लिखना तो पड़ेगा। अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है कम से कम 5 से 8 लाइन, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 1 पेज 1.5 पेज, और 10 नंबर या 7 नंबर क्वेश्चन है तो 2 पेज आपको आंसर लिखने ही लिखने पड़ेंगे, तभी आपको नंबर इसमें मिलने वाले हैं। तो यह है पूरी पीडीएफ, आप देख ले। मैं आपको एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, मैंने आपको तरीका समझा दिया किस प्रकार से स्टार्ट करना है, किस प्रकार से लिखना है, और लगभग इसमें आपके पूरे टॉपिक कवर है आपका इंटरनेट का और आपका आईसीटी का। इसके बाद जो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, एक एक आपको पीडीएफ दे देंगे एचटीएमएल की, एचटीएमएल की पीडीएफ जिसमें सारे टैग रहेंगे, मैं शायद इससे पहले भी आपको दे चुका हूँ, अगर नहीं मिली तो मैं फिर दे दूंगा। एचटीएमएल के टैग उसमें रहेंगे सारे आपके, उसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा क्योंकि वो भी आपके पूछे जाते हैं, तो उसमें आप टैग रहेंगे तो उसके टैग कोई भी क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव का तो वो उस पीडीएफ से आपका कवर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई डाउट हो पीडीएफ आपको जल्दी एक्टिवेट कर देंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, और पीडीएफ जिसको चाहिए वो व्हाट्सएप में मुझको मैसेज कर दे 700765, तो मैं पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कोई डाउट हो, और इसी तरह से आपको 2-3 पीडीएफ देंगे जो आपको काफ़ी हेल्प होगी पार्ट वन में भी, पार्ट सेकेंड में भी। जो लोग बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं अभी तक उनके लिए एक तरह से काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।